अतीक और अशरफ के हत्याकांड को लेकर आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है। सरेंडर उनकी तरफ से रात ही कर दिया गया था। नारे लगाए गए जय श्री राम के, उसके बाद बहुत अधिक प्रयास भागने के नहीं हुए, पुलिस की तरफ से पकड़ लिया गया। रात से एटीएफ पूछताछ कर रही है तीनों से। तीनों आपको बता दें कि बांदा हमीरपुर के रहने वाले हैं। तीनों की अब जो हिस्ट्री है, यानी कि आपराधिक हिस्ट्री भी और जो परिजन है वो भी सामने आए हैं। इनमें से एक आरोपी अरुण, उसके पिता ने सामने आकर ये बात कही है कि हमारा उससे कोई नाता नहीं था, कई साल पहले वो हमारे से अलग रहता था। कई आपराधिक जो मामले हैं वो उस पर पहले से भी दर्ज है। और एक और जो आरोपी इसमें बताया गया है, जो हमीरपुर का रहने वाला है, उसके परिजनों की तरफ से भी यही बात कही गई है कि ये जो व्यक्ति था वो पूरी तरह से परिवार से अलग था और अलग अलग आपराधिक मामले उस पर पहले से भी दर्ज हैं। तीनों आरोपियों को लेकर बातें ये भी सामने आई हैं कि 48 घंटे पहले वो प्रयागराज पहुंच चुके थे, होटल उनकी तरफ से लिया गया था, होटल में वो रुके थे और पूरी प्लानिंग थी। डमी कैमरे का इस्तेमाल उनकी तरफ से किया गया, आई कार्ड बकायदा उनकी तरफ से पहने गए थे, पत्रकार का भेष धारण कर कर वो पहुंचे थे मौके पर। और जब पूरी तफ्तीश हुई है तो आई कार्ड है जिसमें प्राइवेट चैनल्स के नाम से उन्होंने आई कार्ड अपना दिखाया है, उसमें बनाया हुआ जो उसमें उन्होंने पहना था। इसके साथ ही एक पत्रकार के भेष के तौर पर उन्होंने उनके हाथों में एक के कैमरा भी था, वो कैमरा डमी था, जब बाद में पकड़े गए तो तब पता चला। और ये तमाम चीजें फिलहाल आरोपियों को लेकर स्पष्ट हुई है। परिजन सामने आए हैं, पहले से आपराधिक उनके रिकॉर्ड हैं, आसपास के जिलों के हैं, बांदा हमीरपुर, और पूरी प्लानिंग के तहत उनकी तरफ से इस घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल की अपडेट ये है।